पर्यटन में आपने बहुत नवाचार किए, राजस्थान के संदर्भ में पधारो म्हारे देश, ये टैगलाइन आपकी दी हुई थी, बाद में इसको राजस्थान जाने क्या दिख जाए ये टैगलाइन आई, वो शायद इतना वर्क नहीं करा उसने। और आप तो केंद्र में भी पर्यटन में रहे, राज्य में खूब आपने काम किया, और राजस्थान में अकूत संभावनाएं हैं पर्यटन की, तो आपको क्या लगता है वर्तमान परिदृश्य में पर्यटन में किस तरह से काम होना चाहिए? अब देखिए, कोविड के बाद अधिकांश लोग अब अर्बन सेंटर्स में जाना कम पसंद कर रहे हैं और वो रूरल और उसमें जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फॉर्चुनेटली राजस्थान की जितनी भी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो हमारे यहाँ रूरल टूरिज़्म, एग्रो टूरिज़्म, क्रूज़ टूरिज़्म, हमारे यहाँ 600 बांध हैं राजस्थान में और भगवान की कृपा से लगभग सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं आज। कैनाल टूरिज़्म, कैनाल क्रूज़, तो ये ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं, एडवेंचर टूरिज़्म। और लकीली हम लोग लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री हैं, तो यहाँ कभी सेचुरेशन तो आ ही नहीं सकता। और राजस्थान के बारे में अक्सर मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ तो पीपल आर ए डेस्टिनेशन, यहाँ के लोग ही अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, पीपल आर ए डेस्टिनेशन। और राजस्थान की पर्यटन वैसे भी अब जनद्रोह बन चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहावत है, घरे आयो तो माँ जायो, ये कहावत है हमारे राजस्थान में, घरे आए तो माँ जाए, यानी जो मेरे घर आया है वो मेरी माँ का जाया है, मेरा भाई मेरी बहन की तरह उस तरह से मैं स्वागत करूँ। तो ये हमारे राजस्थान की जो इमेज है पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में मोस्ट फ्रेंडली हॉस्पिटेबल स्टेट ऑफ द कंट्री के रूप में। तो बहुत संभावनाएं हैं इसमें काम करने की, अकूत संभावना।